जटाशंकर गुरुद्वारा के तत्वाधान में गुरु गोविंद सिंह की माता गुजर कौर एवं चार साहेबजादों के शहादत दिवस पर जटाशंकर गुरुद्वारा से महानगर में नमन यात्रा निकाला गया, जिसके संबंध में जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने बताया कि माता गुजर कौर व चार साहेबजादों को समर्पित यह नमन यात्रा जटाशंकर गुरुद्वारा से विजय चौक गोलघर होते हुए पैटलेगंज में समाप्त हुआ। उन्होंने कहा, शहादत दिवस पर हमारी सरकार से मांग है कि चार साहब जादों के शहादत दिवस को बाल दिवस के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि चार साहबजादों ने अपनी कौम के लिए अपना बलिदान दिया था। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जटाशंकर गुरुद्वारा के अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने कहा, जसपाल सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर। ये शोभा यात्रा नहीं है, नमन यात्रा है। माता गुजर कौर जी और चारों साहबजादों की शहीदी को समर्पित एक नमन यात्रा है, जो गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर से निकलकर विजय चौक गोलघर होते हुए पैडलेगंज में समाप्त होगी, जहाँ पर लंगर की भी व्यवस्था, भजन कीर्तन होगा। ये हमको, हमारी एक डिमांड चल रही है कि साहबजादों के शहीदी दिवस को ही बाल दिवस घोषित किया जाए, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक बच्चे नहीं थे, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ किया भी नहीं है, उनको बाल दिवस घोषित किया, एक परिवार के नाम पर किया गया है, जबकि साहबजादों ने एक देश धर्म कौम के लिए, अपने धर्म के लिए अपनी शहीदी दी हुई है। हम लोग की सबसे बड़ी डिमांड यही है मोदी जी से, योगी जी से, कि इस दिवस को बाल दिवस घोषित किया जाए, इसीलिए हम लोग नमन यात्रा हर वर्ष निकाल रहे हैं।